हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज एकादशी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकादशी व्रत की पूरी थाली जो मैं आज बनाने वाली हूँ। उसमें आलू की सब्जी होगी, मतलब व्रत वाले आलू होंगे, पूरी होगी वो राजगिरा के लोट की होगी, वो फराली पूरी होगी। तो आज मैं आपके साथ जो जो भी चीज़ें बनाऊंगी वो सारी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में हमने रख दिए हैं आलू को बॉईल करने के लिए। हम व्रत वाले आलू बनाएंगे, गुजराती में इसको सूखी भाजी भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे घर में सीजन का पहला आम आ गया है और मेरे मुंह में तो पानी आ गया है, तो इसका हम आमरस बनाएंगे। और यहाँ पर जो है केरी के छिलके निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, इसके छिलके निकालने के बाद मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी ताकि हम उसका अच्छे से आमरस बना सके। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आम को काट लिया है और इसमें अब मैं डालूँगी 3 चम्मच शक्कर ताकि ये जो आमरस है वो हमको मीठा लगे और जो भी उसका केरी का खट्टापन है वो चला जाए। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से आइस क्यूब ऐड किए हैं। तो इसके बाद मैं ब्लेंडर लगा दूँगी और हो गया हमारा आमरस तैयार। यहाँ पर मैं मिर्ची और अदरक की पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी जो हम पूरी में डालने वाले हैं और उसमें यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर हमारे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने चाकू से चेक कर लिया है, अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और अब हम बनाते हैं पूरी का आटा। तो सबसे पहले हमने ले लिया है राजगिरे का आटा और उसमें हमने ऐड किया है ये मूँगफली, पीसी हुई मूँगफली जो है उसमें हमने ऐड की है। और यहाँ पर एक हाफ़ बिग साइज़ का हाफ पोटैटो हमने ऐड कर लिया है। और ये देखिए, पोटैटो से एकदम खस्ता हमारी पूरी बनेगी। तो उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अदरक और मिर्ची की पेस्ट, हम उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे व्रत वाला सिंधव नमक, जो कि हम जब व्रत रहते हैं ना तब ये नमक यूज़ करते हैं। तो हमने ये ऐड कर दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है हमें। और उसके बाद हम ऐड करेंगे उसमें पीसी हुई काली मिर्च ताकि हमारी पूरी एकदम चटपटी और खस्ता लगे। और लास्ट में हमने ऐड किया है 1 बड़े चम्मच जितना तेल। और अब हम उसका आटा गूंद लेते हैं। तो ये देखिए, अब हम आटा गूंद रहे हैं। तो हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से छोटे छोटे पेड़े हमको बना लेने हैं इसी तरह से। और ये देखिए, अब हम इसको पूरी प्रेस में प्रेस करेंगे। पूरी प्रेस के दोनों साइड हमको प्लास्टिक लगा लेना है और उसके बीच हमको ये पेड़ा रखना है और पूरी प्रेस को प्रेस करना है इस तरह से। और ये देखिए, हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई है। हम प्लास्टिक इसलिए रखते हैं ताकि जो पेड़ा है वो पूरी जो बनकर तैयार होगी वो मशीन में पूरी प्रेस में चिपकेगी नहीं और अच्छी तरह से ये निकल जाएगी इसलिए। और इस तरह से हमने सारी पूरी को अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है, बना ली है हमने पूरी। और यहाँ पर ये देखिए, तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें पूरी फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखना। और जब तक पूरी फ्राई होती है तब तक के लिए मैंने व्रत वाले आलू बना दिए हैं। तो इसमें मैंने ऐड किया है 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किया है, उसके बाद मैंने जीरा ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च ऐड की है। और ये देखिए, देखने में कितनी टेस्टी और माउथ वाटरिंग लग रही है और बन जाने के बाद तो ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी लगेगी गाइस। तो ये देखिए, हमारी आलू की सब्जी बन गई है और उसमें अब मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। और हमारा व्रत का सारा खाना बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर है ठंडी ठंडी छाछ, यहाँ पर है पूरिया, राजगिरे के आटे की पूरिया है, यहाँ पर है आमरस, मेरा फेवरेट, सबका फेवरेट ही होगा आमरस तो। और यहाँ पर है व्रत वाले आलू जिसको गुजराती में हम लोग सूखी भाजी भी बोलते हैं। यहाँ पर केले है, चिप्स है बाहर की, और यहाँ पर है 2 चेवड़े का पैकेट। तो ये है आज का व्रत का खाना जो हमने तैयार किया है। तो गाइज, ये सारा खाना हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब आती है प्लेटिंग की बारी। तो अब हमने प्लेट भी तैयार कर ली है। तो उसमें है आलू के चिप्स,
फरारी चेवड़ा, आमरस, आलू की सब्जी और पूरी। तो अब आती है टेस्टिंग की बारी और किस किस को ये थाली देखकर मुंह में पानी आ गया है। तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं कि अब मैंने थाली कैसी बनाई है। तो देखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है गाइस। तो गाइस अब टेस्ट करने की बारी आ गई है और ये देखिए मैं पहला निवाला टेस्ट करने जा रही हूँ। गाइस ये बहुत बढ़िया बनी है, आप भी ट्राई करना। अब हम ट्राई करते हैं आमरस। किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये आमरस को देख के। सबको हैप्पी एकादशी। तो गाइज मैंने तो ये टेस्टी सी व्रत की थाली बनाई है, तो अब मैं ये थाली को एंजॉय करती हूँ और आप भी बनाना। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।